वेलकम बैक टू माई चैनल क्लासी रेखा। तो कल मैंने रात को ये थोड़े से दाल होंगे, अप्रोक्स कितने दाल होंगे, 250 ग्राम दाल होंगे, मैंने इनको डरते डरते सोक करके रखा। इसलिए मैंने डरा इसलिए बताऊं क्योंकि आजकल के वेदर हैं, कभी बारिश कभी पानी, बारिश का रेनी सीजन चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़े से मैंने रात में सोक करके रख दिए थे 250 ग्राम अप्रोक्स। तो ये मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है और ये इसमें मैंने मसालेदार नहीं बड़ी बनाई, उड़द दाल की बड़ी मैंने बस हींग डाली है, थोड़ी सी नमक भी मैंने नहीं डाला है। और नमक देने से क्या होता है, बड़ी जब आप बनाएंगे थोड़े फूलते नहीं अच्छे से, इसलिए बिना नमक का और मैंने हींग डाला है, ठीक है। तो उड़द दाल भी क्या है ना, बहुत शुभ माना जाता है, शुभ मानते हैं उड़द दाल को, शादी विवाह में लड़के या लड़की किसी के मंडप के दिन सभी के घर में बनते होंगे, उड़द दाल की थोड़ी सी बड़ी बनाई जाती है सूप में, ये सूप भी माने गए हैं, बहुत शुभ है उड़द दाल। तो आज मैं बड़ी बना रही हूँ बड़ी, और गांव में तो जब भी बड़ी बनाते हैं कोई, किसी भी चने दाल की बड़ी या कोई भी बड़ी, तो गीत भी गाते हैं गाँव में, लेकिन चलिए। और इसमें बहुत नज़र भी लगते हैं, तो उसमें कुछ लोग मिर्चे लगा देते हैं। देखिए अब इनको मैंने बहुत अच्छे से इनको मैंने फेंट लिया है, बहुत हल्की हो गई है। अब इनको मैं देख लेती हूँ, थोड़ी सी पानी जब ऊपर आ जाए, नहीं थोड़ी और मिक्स करूंगी। अब मैं देख ले रही हूँ, अब ये हो गई, देखिए ऊपर आ गई ना, देखे अभी हल्की हो गई, पूरी तरह से हल्की हो गई, देखिए ऊपर आ गए। तो इस तरह से हाथ को ऐसे भिगो देंगे, छोटे बड़े से मैं छोटी छोटी बनाऊंगी क्योंकि, और मैंने ये स्टील की थाली है, और इस स्टील की थाली पे मैंने कॉटन कपड़े डाल दी हूँ। आप अगर प्लास्टिक पे भी बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, वरना प्लास्टिक पे अगर बनाएंगे तो ऊपर से वो सूख जाएगा, नीचे से गीली रह जाएगी, लेकिन कपड़े में देने से क्या होगा, वो दोनों तरफ से अच्छे से सूखेंगे। छोटी छोटी ही बना दे रही हूँ ताकि वो जल्दी सूख जाए। कभी कभी सब्जी न रहने से बहुत ही इजी हो जाती है, कभी सोचते हैं क्या बनाऊं, टेस्ट भी चेंज हो जाएंगे। धूप तो है आज, सूख जानी चाहिए, बड़ी के लिए अच्छी धूप चाहिए। बड़ी हमारे बन चुके हैं, उड़द दाल की बड़ी, अब धूप में जाकर रख देती हूँ। आपको जो मई में तो इतनी कड़ी धूप होती, मई जून में तो एक दिन में ही बड़ी सूख, तो ये बड़ी जो मैंने सुबह डाला था धूप में, एक दिन की धूप में अच्छी सूख गई है, क्योंकि आज धूप अच्छी थी ना, तो मैं उतार कर ले आई हूँ शाम को। बहुत ज़्यादा जब सूख जाए, कल मैं दूंगी तो इनको, उससे पहले मैं उखाड़ ले रही हूँ, इसलिए उखाड़ ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा जब सूख जाएंगे बड़ी तो वो टूटने लगते हैं, इसलिए मैं इनको एक एक करके अच्छे तरीके से निकाल दूंगी, ठीक है। तो फिर कल इसको फिर धूप में दे दूंगी उड़द की बड़ी को। तो फ्रेंड्स आज मैं बढ़िया जो उड़द दाल की जो मैंने बढ़िया बनाई थी उसकी आज
सब्जी बना रही हूँ। देखिए सरसों तेल में मैं इनको थोड़ा सा बढ़िया को भून ले रही हूँ। भूनने से क्या होंगे ना, सौंधापन आते हैं, थोड़े लाल हो जाए, अपने कलर में जब आ जाए रेड कलर में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एकदम, बिल्कुल सोना सोना जो होता है ना, मार्केट से लाएंगे तो ऐसी खुशबू तो नहीं आएगी। मार्केट में क्या मिलावट है क्या नहीं है, किस चीज़ के वो लोग बढ़िया दे देते हैं पता नहीं। तो मार्केट में तो हर चीज़ आपको शुद्ध तो नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी तो नहीं है, पर आप जो घर में जो बनाएंगे वो तो गारंटी है। ये भून लिया है मैंने, अब थोड़े से पानी में मैं डाल दे रही हूँ। ये बड़ी मैंने भून लिया है, अब इनको थोड़े पानी में मैंने सोक कर दिया है। अब कैसे कैसे सब्जी बना रही हूँ वो देखिए। एक बड़े साइज के प्याज है, उनको मैंने रफली चॉप किया है, इनको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। इसी में लहसुन के कलियाँ 4-5 है, इसको भी मैं डाल दूँ। अब मैं फ्रिज में देखती हूँ हरी मिर्च कहाँ है। 2 हरी मिर्च। अब कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है 1 स्पून। इसके साथ थोड़ी सी जीरा का तड़का दे रही हूँ। बारीक कटे हुए एक अनियन है, एक प्याज है, इनको भी मैं डाल दे रही हूँ। अब देखिए प्याज बहुत अच्छे सुनहरे कलर में हो गए हैं, देख सकते हैं। अब इन्हीं के साथ मैंने जो एक प्याज लहसुन हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बना लिया था, उस पेस्ट को भी इसमें मैं डाल दे रही हूँ। अच्छी तरह से भून लूंगी, लहसुन का कच्चापन प्याज का कच्चापन अच्छे से भून आ जाए। जब भून जाएगी तो मसाले भी ऐड करूंगी। ये भी जो मेरा टर्मरिक है वो मैंने इसको भी हल्दी को मील में पिसवाया था, देख रहे बिल्कुल शुद्ध है ये टर्मरिक मेरा, मैं यही यूज करती हूँ। देखिए थोड़े से देने से कलर बहुत अच्छे आ जाते हैं, मार्केट का नहीं है ये टर्मरिक। मैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, ये हाफ टमाटर है, कोई भी पेस्ट बना ले रही हूँ। मसाला के भूनने की खूब खुशबू आ रही है। अब इनके साथ जो मैंने टमाटर का प्यूरी जो बनाया उनको भी मैं डाल दे रही हूँ। अब जार को भी मैंने धुल के अच्छे से यूज कर ले रही हूँ। खूब खांसी भी हो रही है मसाला भूनने के। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग के मसाले बहुत अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब इनको मैं क्या करूँगी, कुकर में सीधे शिफ्ट कर दूँ। कुकर में बनाने से इसके बहुत अच्छे कलर आते हैं। देखिए अब क्या करिए आप, वो शिफ्ट कर दीजिए। ये बड़ी बहुत जल्दी सीज जाती है, बहुत जल्दी सूख हो जाएगी। बढ़िया भी मैंने डाल दी हूँ, बिल्कुल जैसे एक विसिल भी नहीं लगाऊंगी, जैसे ही विसिल आने लगे मैं गैस ऑफ कर दूँ, क्योंकि बढ़िया जो आपके घर की बढ़िया है ना बनी वो टूट जाएंगे। बस हो गए, अभी मैं मेरी बढ़िया की सब्जी बन गई। हाफ विसिल मैंने लगाया था, देखिए कितने अच्छे हुए हैं। देखिए दाल की बड़ी की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें,
जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइब, उनको थैंक यू सो मच। जो भी लोग नए होंगे वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि आप तक नए नए वीडियो रेसिपी मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।